أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه The best of you are those who learn Quran and teaches it. तो में से बेहतरीन शख्स वो है जो क़ुरान सीखे और सिखाए अलकुम व्ल उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इस सबक में हम पढ़ेंगे खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश सही तो इससे पहले कि हम अपने सबक का आगाज़ करें तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो पिछले लेक्चर्स जो मैंने दिए हैं उसमें मैंने पढ़ाया है मुफरदात को मरकबात मुकद को तनवीन हरक़ और इसी तरह से फिर हमने इसकी तनवीन और हरकत की मशक़ की थी इसकी प्रैक्टिस की थी तो अगर तो आप मेरी इस वीडियो पर नए हैं तो कोशिश करें मेरे पिछले भी तमाम लेक्चर से इस्ता करें और प्रैक्टिस करें सही ताकि आपको वो अच्छे से आ जाएँ और हम इस अगले सबक का इस अगले सबक को भी अच्छे तर अच्छी तरह से समझ सकें सही तो आगाज़ करते हैं आज हमारा टॉपिक है खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश सही तो देखें जो खड़ा ज़बर है खड़ा ज़ेर या उल्टा पेश सही इसको आप खड़ी ज़बर भी कह सकते हैं खड़ी ज़ेर भी कह सकते हैं और इसी तरह से उल्टा पेश तो देखें इनको एक अलिफ़ के बराबर पढ़ते हैं मतलब एक इस तरह से कि अगर एक बंद उंगली है इसको खोलने में या खुली हुई उंगली को जब बंद करते हैं तो जितना टाइम लगता है उतने में इसको पढ़ते हैं सही जैसे कि हम आगे भी अलिफ मदा वो मदा और या मदा को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसका भी इसी तरह से है कि उसको भी अगर एक उंगली जैसे था कि एक उंगली को बंद करके खोलने में जितना टाइम लगता है तो इतना ही इसको खींचेंगे सही तो खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर और जो खड़ा पेश है इसको भी इतना ही खींचेंगे और हम इस तरह से भी इसको कह सकते हैं कि जो खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर और जो उल्टी पेश है ये रूफ़ मद्दा हैं और ये अलिफ़ या और वाओ मद्दा की तरह खींच के पढ़ेंगे जैसे खड़ा ज़बर जो है वो बराबर है अलिव मद्दा के इसी तरह से जो खड़ा ज़ेर होगा वो बराबर है याए मद्दा के या मद्दा के और जो उल्टा पेश है उसको भी इतना ही खींचेंगे वो बराबर है जैसे कि वो मद्दा सही तो इसको इतना ही खींचेंगे और और इसको इतना लंबा भी नहीं खींचेंगे और ना ही इसको कम खींचेंगे बल्कि दरमियाना सा सही कि जो आपको बताया गया है कि एक उंगली को जैसे हम बंद उंगली को खोलते हैं यकुली उंगली को बंद करते हैं तो जो इतना ही टाइम लगता है हमें अदा करते हुए खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश सही तो चलें हम आगाज़ करते हैं आ, उन हरूफ को पढ़ते हैं जिन पे खड़ा ज़ेर है खड़ा ज़बर है ज़ेर है और उल्टी पेश है सही तो पहला लफ्स है बा खड़ी ज़बर बा, बा खड़ी जेर बी बा उल्टी पेश बू या खड़ी जबर या, या खड़ी जेर यी या उल्टी पेश यू रॉ खड़ी जबर रॉ रॉ खड़ी जेर री रॉ उल्टी पेश रू मीम खड़ी जबर मा मीम खड़ी जेर मी मीम उल्टी पेश मू। लाम खड़ी जबर ला लाम उल्टी लाम खड़ी जेर ली लाम उल्टी पेश लू सही मेरे साथ साथ आप चलते जाएं और इसी तरह से आप पढ़ने की प्रैक्टिस करें सही वाओ खड़ी ज़बर वाओ खड़ी जेर वी वाओ उल्टी पेश वू नून खड़ी ज़बर ना नून खड़ी जेर नी नून उल्टी पेश नू हमजा खड़ी जबर आ हमजा खड़ी जेर ई हमजा उल्टी पेश सही आगे हा खड़ी जबर हा हा खड़ी जेर हि हा खड़ी हा उल्टी पेश उन खड़ी जबर आ आइन खड़ी जेर ई आइन उल्टी पेश उ ح خړې زبر ح ح خړې زیر ح الټي پيش هو غ غين خړې زبر غ غين خړې زیر غ غين الټي پيش هو خ خړې زبر خ خ خړې زیر خ الټي پيش هو तॉ खड़ी जबर तो तो खड़ी जेर ती तो उल्टी पेश तू सा खड़ी जबर खड़ी जेर सी सी सा उल्टी पेश जीम खड़ी जबर जा जीम खड़ी जेर जी जी उल्टी पेश जू दाल खड़ी जबर दा दाल खड़ी जेर दी दाल उल्टी पेश तू जाल खड़ी जबर जाेर जा, जी जाल उल्टी पेश जू जा खड़ी जबर जा, 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 जा खड़ी जेर सी जा पेश, उल्टी पेश जू सीन खड़ी जबर सा सी खड़ी जेर सी सीन उल्टी पेश सू शीन खड़ी जबर षा शीन खड़ी से शी, शीन उल्टी पेशू। शु स्वाद खड़ी जबर सौ स्वाद खड़ी झेर सी स्वाद उल्टी पेशू। सुॉद खड़ी जबर जौ जा, झुद खड़ी झेर जी, जोद उल्टी पेश जू तो खड़ी जबर तो तवा तो खड़ी झेर ती तो उल्टी पेश तू ज़ो खड़ी सबर ज़ो ज़ो खड़ी जेर ज़ी ज़ो उल्टी पेश ज़ू फ़ा खड़ी सबर फ़ा फ़ा खड़ी जेर फ़ी फा उल्टी पेश फ़ू काफ खड़ी सबर कौ काफ़ उल काफ़ खड़ी ज़ेर की कौफ मोटा करके पढ़ना है सही कौफ़ खड़ी सबर कौ कौफ खड़ी ज़ेर की कौफ उल्टी पेश कू कैफ खड़ी जबर का कैफ खड़ी ज़ेर की कैफ उल्टी पेश कू हमजा खड़ी ज़बर आ हमज़ा खड़ी ज़ेर ई हमजा खड़ी हमजा उल्टी पेश उ। सही यहाँ देखें अल्फ़ को पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जब अलिफ़ के ऊपर ज़बर जेर या पेश आ जाए या जिस तरह से ये खड़ा ज़बर आया है खड़ी ज़ेर आई है या खड़ा पेश आया है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे जब मुतहरिक हो जाता है हैलिफ तो उसको हमजा पढ़ते हैं सही आगे चलते हैं हा खड़ी सबर हा हा खड़ी जेर ही हा उल्टी पेश हू खड़ी सबर वा वाह खड़ी जेर वी वाह उल्टी पेश वू हा खड़ी सबर हा हा खड़ी जेर ही हा उल्टी पेश हु हमजा खड़ी सबर आ हमज़ा खड़ी जेर ई हमज़ा खड़ी हमजा उल्टी पेश ऊ सही इस तरह से आप इसको पढ़ें और प्रैक्टिस करें मज़ीद आपको अगर तो इस सबक में कोई चीज़ समझ नहीं आती या इससे पहले जितने मैंने लेक्चर्स दिए हैं उनमें आपको कोई डाउट रह गया है तो मैंने आपको ईमेल दी है इसमें आप इस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं सही तो अगले जो लेक्चर होगा जो हमारा लेक्चर एट होगा उसमें हम पढ़ेंगे मद्दा और मद्दा और लीन को हम इन डिटेल में पढ़ेंगे तो तब तक के लिए इजाजत इजाज़तें अल्लाह हाफिज